शिक्षार्थियों, आज हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। योग में सूक्ष्म अभ्यास का एक अपना महत्व है और योग में कोई भी क्रिया करने से पहले हमेशा आप यौगिक प्रार्थना यानी यौगिक प्रेयर से उसका आरंभ करें। सबसे पहले हम यौगिक प्रेयर करते हैं। आइए यौगिक प्रार्थना करते हैं। हम लोग दोनों हाथों को वक्षस्थल के पास लाएं और वक्षस्थल के पास लाकर दोनों हाथों को जोड़ें। ईश्वर का ध्यान करते हुए कोमलता से दोनों आँखें बंद करें और 3 बार ओम का उच्चारण। ये यौगिक प्रार्थना धीरे से अपने ध्यान को ईश्वर को नमन करते हुए इस प्रकार कोमलता से अपनी आँखों के सामने दोनों हाथों को परस्पर रगड़ते हुए धीरे से उस ऊर्जा को अपने आँखों के सामने लाएं और पुनः दोनों हाथों का एक बार फिर संघर्षण करें दोनों हाथों को रगड़ते हुए और पूरे मुख मंडल पर इस तेज पुंज को ऊर्जा को लगाएं और एक बार पुनः हाथ धीरे धीरे अपने घुटनों पर ला करके कोमलता से अपनी आँखें खोल दें। तो इस प्रकार हमने यौगिक प्रार्थना की। यौगिक प्रार्थना के पश्चात आइए सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हाथों के लिए संधि संचालन का अभ्यास करते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि हाथों के लिए संधि संचालन के अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात हम इनको प्रदर्शित करने और इनको करने में निपुणता प्राप्त करेंगे और सक्षम होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, योग करने के लिए हमारे जो वस्त्र बहुत मायने रखते हैं, तो अभ्यास करने से पहले जो निर्देश दिए गए हैं उनका पूर्ण ध्यान रखें। आरामदायक ढीले सूती वस्त्र पहने। अभ्यास करने से पहले यदि आपके पास पेन, पेंसिल, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट और भी आभूषण हैं तो उनको निकाल कर बाहर रख दें। हम सबसे पहले हाथों के लिए जो संधि संचालन के अभ्यास की बात करते हैं, सबसे पहले करते हैं मुष्ट का बंध। मुष्ट का बंध
करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधे के सीध में ऊपर उठाएंगे। कंधे के सीध में ऊपर उठाकर अब ध्यान रहे कोहनी सीधी रहें, अंगूठे को अंदर रखते हुए मुट्ठी बंद करेंगे। श्वास लेते हुए मुट्ठी खोलते हैं, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद करते हैं। तो किस प्रकार करते हैं? श्वास लीजिए, मुट्ठी खोलिए, श्वास छोड़िए, मुट्ठी बंद कर लीजिए। यही क्रम बार बार दोहराना होता है। श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बंद कर लीजिए। तो ये है मुष्टिका बंद। नेक्स्ट हम करते हैं मणिबंध। मणिबंध नमन में हमारे हाथों की पोजीशन पहले की तरह इसी तरह, यहाँ से हमारे दोनों हाथ सामने की ओर खुलेंगे, दोनों हाथ ऊपर की ओर खोल देते हैं। अब हाथों को ऊपर की ओर, केवल हथेलियों को ऊपर की ओर उठा देते हैं। हथेलियों को कलाई से अब नीचे करते हैं, नीचे ले आइए। पुनः धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर ले आइए। श्वास के लिए ध्यान रखना है, श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ मोड़िए। इसी क्रम को बार बार दोहराते हैं। वापस हम अपनी पहली पोजीशन में अपने दोनों हाथों को घुटनों के पास रखकर कुछ समय यानी कुछ सेकंड विश्राम कर लेते हैं। विश्राम के समय हमारी श्वास की गति सामान्य रहे और आइए आगे हम मणिबंध चक्र करेंगे। आइए मणिबंध चक्र करते हैं। मणिबंध चक्र के लिए पहले की तरह दोनों हाथों को सामने कंधे के सीध में सीधा रखते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी पहले की तरह अंगूठे अंदर रखते हुए बांधकर अब गोल गोल घुमाते हैं। दोनों हाथों की बंधी हुई मुट्ठियाँ इस प्रकार की एक सर्किल की तरह और 5-6 बार घुमाने के पश्चात उसका अपोजिट यानी पहले जो डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में 5-6 बार घुमाते हैं। दोनों दिशाओं में 5-6 बार घुमाने के पश्चात फिर पुनः थोड़ी देर विश्राम के लिए वापस आते हैं। विश्राम की स्थिति और अब हम कोहनी नमन करने जा रहे हैं। कोहनी नमन के लिए सबसे पहले दंडासन की स्थिति। दंडासन के पश्चात अपने दोनों हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए कंधे की सीध में और यहाँ से अपनी कोहनी से
हाथों को मोड़ते हुए कंधे को टच करें। पुनः वापस हाथों को सामने फैलाएं। इस प्रकार 5-6 बार इस अभ्यास को दोहराते हुए हम विश्राम की अवस्था में आते हैं। धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में आते हुए आइए अब स्कंद चक्र हम करते हैं। किस प्रकार हम करेंगे इसकी विधि हम आपको बताते हैं। सबसे पहले अपने इस अवस्था से दोनों हाथों को कंधे के पास तक ले जाने के लिए अंगूठे से टच करेंगे। दोनों अंगूठे हमारे कंधे और हमारी उंगलियां भी कंधों को टच करती हैं। यहाँ से हम पूरा चक्र एक बड़े वृत्त में इस प्रकार घुमाएंगे। जितना बड़ा हम सर्किल बना सकते हैं उतना बड़ा सर्किल बनाने का प्रयास करते हैं। श्वास का विशेष ध्यान रखें। आगे आते हुए श्वास को बाहर निकालना है और पीछे ले जाते हुए श्वास को छोड़ना है। इस प्रकार 5-5 बार यानी 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज इस अभ्यास को करते हैं। पूरी चेतना पूरी सजगता कंधों के आसपास रखिए और कंप्लीट होने के पश्चात थोड़ी देर विश्राम अवस्था में आ जाइए। आइए अब हम ग्रीवा चालन का अभ्यास करते हैं। ध्यान रहे ग्रीवा चालन के अभ्यास के समय आपकी सजगता और आपकी चेतना पूरी तरह से आपके गर्दन पर रहे, क्योंकि हमारी गर्दन की जो नसें हैं बहुत ही नाजुक होती हैं। इसलिए ये सावधानी बहुत आवश्यक है। अभ्यास करने के दौरान कोई जल्दबाजी ना करें, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। पूर्ण सजगता और ध्यान के साथ अपना अभ्यास करें। अभ्यास के दौरान अपनी जो रीढ़ की हड्डी है और सिर एक रेखा में होने चाहिए। आइए ये अभ्यास करते हैं। सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने कमर के पास ले जा करके इस प्रकार निश्चित करते हैं। अब अपने गर्दन को श्वास लेते हुए पीछे की ओर जितना ले जा सकते हैं आसानी से उतना ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए गर्दन सामने की ओर जितना अधिकतम ले जा सकते हैं। इसी अभ्यास को 5-5 बार करते हैं और फिर इसी में दूसरे अभ्यास को भी हम यहाँ जानने का प्रयास करते हैं। दूसरे अभ्यास के लिए हम अपनी गर्दन को एक बार राइट जितना आसानी से जा सकते हैं और अब यहाँ से धीरे धीरे सेंटर और फिर लेफ्ट। पुनः धीरे धीरे सेंटर। इस अभ्यास को भी हम इसी प्रकार 5-5 बार दोहराते हैं।
जैसा कि आपको बताया, सावधानी के साथ ये अभ्यास करें। अभ्यास खास तौर से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उच्च रक्तचाप के रोगी और वृद्धजनों के लिए अति उत्तम है। यह हमारे शरीर के जटिल आसनों को भी तैयार करने के लिए आवश्यक होती है। अभ्यास से शरीर की जकड़न दूर होती है, क्षमता की वृद्धि होती है। अभ्यास मानसिक और शारीरिक संतुलन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। विश्राम अवस्था सूक्ष्म यौगिक अभ्यास के अंतर्गत हम पैर के लिए संधि संचालन का अभ्यास करेंगे। पैरों के लिए जब संधि संचालन का अभ्यास करते हैं, इसमें कई अलग अलग अभ्यास हैं। इन सभी को हम जानेंगे, निपुणता प्राप्त करेंगे और प्रदर्शित करने की विधि को सीखेंगे। जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि अभ्यास करने के दौरान अभ्यास की तैयारी में हमें अपने वस्त्र सबसे पहले देखने होते हैं। स्थान का चुनाव भी बहुत ही आसानी से और इस प्रकार का हो जहाँ हवा का खुला आना जाना, यानी कि वातावरण बहुत ही सुंदर और बढ़िया हो। सबसे पहले पैरों के जोड़ के अभ्यास के लिए हम पादांगुली नमन करेंगे, जिसके लिए इस विश्राम अवस्था से हम दंडासन में आते हैं। दोनों पैर मिलाते हुए दंडासन की स्थिति। पादांगुली नमन के लिए अब जो हमारी पैर की उंगलियां हैं उनको नीचे की ओर मोड़ेंगे, फिर धीरे से इन उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ेंगे। पुनः नीचे की ओर मोड़ते हुए फिर ऊपर की ओर लाते हुए श्वास प्रश्वास का तालमेल रखते हुए श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ, श्वास लेते हुए अपनी तरफ यानी ऊपर की ओर 5 बार करेंगे। इस प्रकार ये हमारा पादांगुली नमन का अभ्यास। ध्यान रहे पंजा व टखना दोनों स्थिर रहें, केवल अंगुलियों में ही गति रखें। अभ्यास के प्रभाव को जानने का प्रयास करें, हल्का खिंचाव एवं प्रभाव का अनुभव करें। दंडासन की स्थिति इस प्रकार। गुल्फ नमन जो हमारी अगली अभ्यास की क्रिया है उसको करते हैं। गुल्फ नमन में हमारे दोनों पंजे आगे पीछे करने होते हैं। पंजों को इस प्रकार अधिकतम नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। धीरे से ऊपर की ओर अधिकतम खींचते हुए पंजों को लाने का प्रयास करें। अब फिर धीरे धीरे नीचे की ओर खींचते हुए और फिर
ऊपर की ओर खींचते हुए। पांच पांच बार इस अभ्यास को इसी प्रकार दोहराएं। पूरी चेतना और सजगता हमारे तखने के आसपास और पंजों पर रहे। अब फिर धीरे धीरे इस अभ्यास को पूरा कर अभ्यास करें, विश्राम करें, विश्राम अवस्था में आ जाए। अब हम गुल्फ घूर्णन का अभ्यास करेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, हम अपने इस अभ्यास को करने के लिए दंडासन की स्थिति से अपने एक पैर को, यानी आप राइट पैर को सबसे पहले इसमें ले सकते हैं, एक पैर को मोड़कर दूसरे पैर की जंघा पर आराम से रख लीजिए। अब अपने एक हाथ पैर के ऊपर और दूसरा हाथ आपका घुटने के ऊपर, हाथ की सहायता से तखने को गोल गोल घुमाइए। धीरे धीरे इसका अभ्यास कीजिए। एक श्वास में एक बार घुमाइए, पांच बार क्लॉकवाइज और पांच बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। बेहतर रक्त प्रवाह, बेहतर प्राण का संचार का अनुभव कीजिए। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से भी इसी प्रकार पूरा करते हैं। विश्राम की अवस्था में वापस आए। आइए अब हम जानु नमन का अभ्यास करते हैं। दंडासन की स्थिति से हम जानु नमन करने के लिए सबसे पहले अपने एक पैर यानी राइट लेग को ऊपर उठाकर जांघ के नीचे दोनों अपने हाथों को फंसाते हैं इस प्रकार, और धीरे से इस पैर को ऊपर पूरा उठाने का प्रयास करते हैं। घुटना मुड़े नहीं, धीरे से फिर पुनः छोड़ें, अधिकतम छोड़ें और फिर ऊपर ले जाते हुए श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए मोड़कर नीचे की ओर। इसी प्रकार हम अपने दूसरे पैर से भी इसी अभ्यास को दोहराते हैं। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार पैर को ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे नीचे लाते हुए, दोनों ही पैरों से पांच पांच बार इस अभ्यास को करते हुए पूरी सजगता, पूरी चेतना घुटनों के आसपास रखते हुए श्वास प्रश्वास के तालमेल के साथ इसको करते हैं। अब विश्राम की अवस्था में आते हैं। विश्राम की अवस्था। आइए जानु चक्र का अभ्यास करें। जानु चक्र का अभ्यास करने के लिए पहले की तरह दंडासन से जानु नमन की क्रिया में जाने वाली जो प्रथम स्थिति थी, उसी में जांघ के नीचे हाथों को कोहनी तक फंसाइए। पहले एक पैर के साथ करेंगे,
अब घुटने को गोल गोल घुमाना है, जितना बड़ा चक्र बना सकते हैं बनाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक श्वास में एक बार क्लॉकवाइज और फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से। तीन तीन बार दोनों को करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी तीन बार करेंगे। अभ्यास के प्रभाव को महसूस कीजिए। जांग की मांसपेशियों, पिंडलियों की मांसपेशियों में अब खिंचाव का अनुभव कीजिए। जोड़ों और टखने में हल्का सा दर्द का अनुभव कीजिए। उदर क्षेत्र पर हल्का दबाव अनुभव सहित दिया जा सकता है। ध्यान रहे, सजगता बहुत आवश्यक है। आइए जानू फल का कर्षण का अभ्यास करें। दंडासन से स्थिति दंड की तरह रहे, लेकिन इस अभ्यास को करने के लिए घुटने की मांसपेशियों को सिकोड़ना और छोड़ना है। हमारी थाइस और हमारे घुटने की मांसपेशियों को श्वास लेते हुए अपनी तरफ खींचिए और श्वास छोड़ते हुए मांसपेशियों को ढीला कीजिए। इस क्रिया को 5-5 बार अपने श्वास के समय के अनुसार कीजिए। तत्पश्चात विश्राम कीजिए। यह अभ्यास आकर्षण यदि हम देखें तो इसका विशेष रूप से लाभ घुटने के दर्द के लिए असरकारक है। गठिया रोग घुटनों में अत्यधिक दर्द कारक जो समस्याएं हैं उनसे भी छुटकारा मिलता है। इसके लिए जानू फल का आसन रामबाण काम करता है। आइए अब हम अर्ध तितली आसन करते हैं। अर्ध तितली आसन के लिए हम दंड आसन से सबसे पहले अपने एक पैर यानी राइट लेग के मोड़कर दूसरे पैर की जांग पर रखते हुए अपने एक हाथ से पैर को पंजे को पकड़ते हुए, दूसरे हाथ से घुटने को पकड़ते हुए तितली आसन किस प्रकार करते हैं। अर्ध तितली आसन, एक ऊपर की ओर ले जाएं, धीरे से नीचे की ओर लाएं। ऊपर की ओर ले जाएं, धीरे से नीचे की ओर लाएं। हाथ की सहायता से घुटने को ऊपर नीचे, श्वास लेते हुए जमीन की तरफ और श्वास छोड़ते हुए अपनी तरफ यानी ऊपर की ओर ले जाएं। इस क्रिया को 5-5 बार दोनों पैरों से करना है। इसी प्रकार आइए अब दूसरे पैर से इस अभ्यास को करते हैं। 5 बार इस पैर से भी इस अभ्यास को पूरा करते हैं। इस प्रकार इस क्रिया को दोनों पैरों से हमने 5-5 बार किया और यहाँ से हम वापस अपने विश्राम की अवस्था में। पूर्ण तितली आसन। पूर्ण तितली आसन के अभ्यास के लिए दंड आसन से सबसे पहले अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए पीछे की ओर लाते हुए दोनों हाथों से अपने पंजों को लॉक करते हुए एड़ियां
लगभग अंदर की ओर जितना भी जा सकती हैं हम टच करने का प्रयास करेंगे। अब दोनों घुटनों को तितली के पंखों की तरह गति प्रदान करते हैं। हर बार यह गति हमारी श्वास के और प्रश्वास के साथ जुड़ी रहे। ध्यान रहे रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और ऊपर की ओर श्वास लेते हुए और नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। इस प्रकार धीरे धीरे इस संचालन को तितली के पंखों की तरह धीरे धीरे गति प्रदान करते हैं। इस प्रकार सामान्य श्वास की अवस्था ले आते हैं। श्वास प्रश्वास लेते हुए तितली के पंखों की भांति गति प्रदान करते हुए अभ्यास करने के पश्चात वापस अपनी विश्राम की अवस्था में आते हैं। विश्राम की स्थिति, आइए स्वर्णी चक्र का अभ्यास करते हैं। दंडासन से अर्ध तितली अवस्था में आते हैं। इस प्रकार हम अपने पूरे जंघा को गोल गोल घुमाने का प्रयास करते हैं। श्वास लेते हुए जमीन की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की तरफ। इसी अभ्यास को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार करते हैं। अब हम दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। दूसरे पैर से भी अर्ध तितली अवस्था बना करके उसी तरह से शुरुआत करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम की अवस्था में आते हुए